तो उसने पूछा डॉक्टर ने कि घर का इस समय अल्फा कौन है, तो मैंने कहा अल्फा चुन चुन बन के घूम रही है। तो डॉक्टर ने कहा तो और ये लोग हो गई हैं कि बच्चा ऐसा है ना, तो और ये चेरी भी मदरली हो गई है, ये भी मदरली हो गई है। हाँ, और कोको तो खुश है क्योंकि उसकी आंख साफ करते हैं। तो कहते चुन चुन सबकी आंखें साफ करती है, मैं कहा सबकी आंख साफ करती है, ये नहीं बताया कि अविनाश की भी करती है। ये तो बता रहा बोल के अविनाश की भी करती है, उसको भी कुत्ता ही समझती है। चैनल सारे वर्कर्स घर पे आ गए हैं, काम चल रहा है, बेडरूम का शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं, मैं कल रात सो ही नहीं पाई बराबर, क्योंकि रूम चेंज हुआ ना, वो गद्दा मेरे को नहीं जमता है। मतलब एक गद्दे की आदत होती है तो आपको पता है ना, चाहे वो तकिया मेरा सेम था लेकिन स्टिल गद्दे के कारण मैं सो नहीं पाई हूँ बराबर। एनीवेज अब मैं तैयार हो गई हूँ, अविनाश गया नहाने के लिए और वर्कर्स रूम में काम कर रहे हैं। यहीं पे चोटी बना दे जल्दी से, फटाफट वर्कआउट खत्म करके आती हूँ। आज का जो शेड्यूल है, पहले तो वर्कआउट खत्म करते ही मुझे कैंडी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि कैंडी इज नॉट ओके। मुझे जरा दिखाना है डॉक्टर को कि क्या हुआ है, क्योंकि उसको मिल्क दोबारा से निकल रहा है, वो क्यों हो रहा है पता नहीं। और थोड़ी सी ना मेरा पेट में, मैं देख रही हूँ उसके निपल्स के आसपास ना गांठे हैं, वो गांठे क्यों हो रही है। तो आई एम लाइक रियली वरिड कि कभी ऐसा हो जाए यार कि आसपास नहीं हो हम। ए टेबल में चढ़ गई, टेबल में चढ़ गई। ए कितना आराम से आई है फ्रूट के पास, फ्रूट लेने आई थी। तू तो बहुत चंट है चुंचा, टेबल पे चढ़ गया, तेरी पिटाई होगी। इसको अंदर लेके जा जब तक भैया नहीं आता, ये खा जाएगी, पता चला फ्रूट ये खा गई। कह रही मेरे फ्रूट दे, वो भी मांग रही है, पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा दे, काट ले जितना काटना है। तो जी मैं जरा जिम होके आ जाऊँ, ये क्लिप भी हटा, जिम होके आ जाऊँ। और मीनवाइल मैं आपको दिखा भी देती हूँ, घर पे सारी चीजें पैक हो रही है यहाँ पे, ये देखिए सारा पैक हो रहा है। ये तो नहीं पैक करेंगे ना, क्योंकि हमको चाहिए जरूरत, मतलब हमको रहेगा जरूरत। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मतलब इस तरह से कर रहा, क्योंकि मैं बहुत सामान निकलना है इसमें से। हाँ 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 ठीक है, ये देखो जी सब कुछ टूट गया और अंदर से दीमक ऐसी निकल रही है कि पूछो मत। देखो दीमक है ना सारी, थैंक गॉड ये निकल रहा है। तो विनाश अभी नहा के आ जाता है, तब तक ये अपना काम कर रहे हैं, मैं जिम होके आ रही हूँ और आपको अभी आके मिलती हूँ। चुन्ना अंदर नहीं जाना, अंदर तोड़फोड़ हो रही है, कुछ गिर गया सर पे तो आ जाओ। मैं वर्कआउट खत्म करके आ गई और मेरा जूस बन रहा है, मैं जूस पीऊंगी और फिर क्या जूस बन रहा है, मेरा जूस मतलब वेजिटेबल जूस बन रहा है। फिर जूस पी के मैं सबसे पहले चेंज करके लेके जाऊंगी कैंडी को डॉक्टर के पास। तुम चल रहे हो मेरे साथ? जी। तो अविनाश भी आएगा डॉक्टर के पास, हम लोग जाएंगे सीधा और वहीं पे मिलेंगे आपको, जाते आते मिल लेंगे, वहाँ जाके तो मिलेंगे। ये एनर्जी मेरी डाउन क्यों हो गई है? पता है 500 कैलोरीज बर्न कर लिया। गुड। तो जी डिसाइड ये हुआ है कि मैं कैंडी को लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास और अविनाश यहीं पे रहेगा। तो घर पे काम चल रहा है ठुका पीटी का और ये वैसे ही डरी हुई है, देखो बार बार इधर आ जा रही है छुप के। ठीक है, तो मैं डॉक्टर के पास होके आती हूँ और या तो वहीं पे मिलूंगी या आपको वापस आके मिलूंगी। अनीता को ले जाओ। नहीं नहीं मैं अकेले ले जाऊंगी। कैसे ऑटो में जा रही हो? हाँ मैं कर लूंगी हैंडल में। गाड़ी में चली जाओ, अमिता भी चली जाएगी साथ में। चलो बाय। चुन्ना मम्मी को कौन ले गया? मम्मी को ले गई, एक मम्मी दूसरी मम्मी को ले गई। अब क्या उदास हो भैया? मेरा बच्चा आ जा, गोदी आ जा, इसका अभी इतना मिल्क निकला है यहाँ पे, इतना और ब्लड यहाँ से। अब तो क्या हुआ है इसको बता दो। हमारे बच्ची को सुडो प्रेगनेंसी होगी, ये इट्स अ फैंटम प्रेगनेंसी एंड दिस इज अ फिजियोलॉजिकल और लिटिल बिट ऑफ अ पैथोलॉजी इन इट। ऐसे कुछ डरने की बात नहीं है, बच्ची अपने बच्चे के साथ रहती है काफी टाइम तक, तो अभी भी नर्सिंग मोड में कभी चली जाती है। शी हैड हर पीरियड अबाउट two or three months. So that's why now the phantom pregnancy, this is the mother and motherly instinct of the dog. So nothing to worry about, na? ठीक हो जाएगी ना? तभी इतना down feel करी है. Is there fever also? नहीं. Fever नहीं है. उसको fever. So we will try to give her some medicine and she should be okay. Okay, doctor. आज छोड़ना बाबा. तो जी मैं डॉक्टर के पास से निकल गई हूँ और डॉक्टर ने बताया है कि कैंडी को pseudo pregnancy हुई है और उसके लिए पूरा इसका मिल्क निकाला है और मिल्क के बाद इतना ब्लड निकला, पिचकारियां निकली है ब्लड की, वो सारा निकाल के एंड देन क्लीन करके इसको एंटीबायोटिक्स दिए हैं कुछ और कुछ होम्योपैथिक की दवाई दी है, जो कि अभी जाके मैं
दवाई लेनी पड़ेगी अविनाश और मुझे, तो मैं इसको ऊपर भेजूंगी और अविनाश के साथ दवाई लेने के लिए जाऊंगी। पहले इसको रेस्ट करने के लिए भेजूं। बेटा सूडो प्रेगनेंसी कैसी हो गई? सूडो प्रेगनेंसी, आई डोंट नो, अगर आपको, जिसको नहीं पता, पता ही होगा लोगों को, लेकिन सूडो प्रेगनेंसी इज, आपको लगता है आप प्रेग्नेंट हो लेकिन आप नहीं होते, जैसे मेरे को लगता है वैसे ही उसको लग रहा है, लेकिन इसके जरा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं अभी एक बार घर पहुंचने वाली हूँ तो अविनाश को नीचे बुला लूंगी और इसको ऊपर भेज दूंगी। तो जी मैं वापस आ गई हूँ और बेबी, जितना डॉक्टर ने बोला इसके बारे में, इसकी हालत इतनी खराब है, इतना ब्लड निकला है अमिता, इतना ज्यादा मिल्क और ब्लड निकला है ना इसमें से, इतना निकाला है। हुआ क्या इसको? सूडो प्रेगनेंसी हुई है फिर से। इसको बार बार सूडो प्रेगनेंसी क्यों हो जा रही है? कह रही वो अपने बच्चे के साथ है ना, तो ये अब वो उसी मदर जोन में ही है। इसको ऊपर लेके जा। तो हम लोग जा रहे हैं इसकी दवाई वगैरह लेने के लिए, दवाई वगैरह लेके आएंगे। सुबह से मैं ऐसी हूँ, देख लो, वर्कआउट के बाद, मतलब नहाई हुई हूँ लेकिन वर्कआउट के बाद नहीं नहाई मैं, तब से ऐसी की ऐसी। अब क्या करें, काम भी तो खत्म करना है, क्या हो गया, कौन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी दवाई लेने, जैसे कि संभावना ने बताया, और पता नहीं क्या हो रहा है कैंडी को अचानक से, खैर जो भी है। मेबी डॉग्स में ये बात बहुत नॉर्मल है, होती है, लेकिन कैंडी का इन्फेक्शन अंदर हो गया, ब्लड वगैरह जब आने लग जाए ना, अब उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे और कुछ होम्योपैथी की दवाई है जो कि अब हमको लेनी है, ठीक हो जाएगी बच्ची। इतना ज्यादा वो अपने मदर जोन, मदरली जोन से वापस नहीं आ रही है। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया कि अभी भी उसको क्लीन करती है, वो इसको क्लीन करती है, तो उसने पूछा डॉक्टर ने कि घर का इस समय अल्फा कौन है? तो मैंने कहा अल्फा चुनचुन बन के घूम रही है, चुनचुन ही तो है अल्फा। तो डॉक्टर ने कहा तो और ये लोग हो गई हैं कि बच्चा ऐसा है ना, तो और ये चेरी भी मदरली हो गई है, ये भी मदरली हो गई है। हाँ, और कोको तो खुश है क्योंकि उसकी आंख साफ करते हैं। तो कोको ने, डॉक्टर कहते कोको ने अपनी उम्र एक्सीड कर ली है काफी, कहते हैं आप उसको किसी भी गिनती में मत अब लो, वो तो मतलब ये जिस तरह से जी रहा है ये नॉर्मल डॉग्स नहीं जीते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं वो उसकी भी आंख साफ करती है और वो कराता है, ये बहुत बड़ी बात है, वो तो चिढ़ जाना चाहिए। मैंने कहा लेकिन वो भी अपनी आंख साफ कराता है इसे चुनचुन से, तो कहते हैं चुनचुन सबकी आंखें साफ करती है। मैं कहा सबकी आंख साफ करती है, ये नहीं बताया कि अविनाश की भी करती है। ये तो बता रहा भूल गई कि अविनाश की भी करती है, उसको भी कुत्ता ही समझती है। तो खैर अब कैंडी जल्दी ठीक हो जाएगी, दवाई वाई देंगे। तो आप लोग ये जरूर बताना कि आपको हमारा सब्सक्राइबर मैंने नमक खाया का ट्रेलर कैसा लगा, और हमारे जो सब्सक्राइबर मैंने आपका नमक खाया बहुत जल्दी आने वाला है, देखो कभी भी आ जाएगा, आप पलटोगे और वापस पलट के देखोगे आ चुका होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। हाँ। तो आप लोग एकदम तैयार रहना अपना प्यार बांटने के लिए, अगर आप चाहते हो हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचे और ज्यादा बड़ा करते जाएं। तो दोस्तों हमें प्यार देना ना भूलें और हमारे चैनल पे बने रहिए। जी कैंडी की ये होम्योपैथी की दवाई मिल गई एक बॉटल, और दूसरी कौन सी है? दूसरी थी नहीं तो उसमें से चार पांच में थोड़ी 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 दो तो चार चार बूंद मिला के एक ये बनी है, जो कम से कम एक हफ्ता चल जाएगी, कह रहे हैं फिर दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, डाल। हाँ ये सीधी करके रखनी पड़ेगी, अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में जाते जाते बैग में डाल देंगे, उसके प्रिस्क्रिप्शन पहले बैग में डाल दो। जो भी बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मुझे यहाँ के अपॉइंटमेंट मिल गई, तो मेरे को थोड़े से अपने बाल और स्ट्रीक्स कराने थे कुछ लेयर्स एक आध, तो मैं फटाफट यहाँ पे स्ट्रीक्स कराने आके आ गई हूँ। अभी वापस अविनाश आएगा एंड आई एम गोइंग टू जॉइन हिम, और फिर हमें आगे जाना है। बेसिकली बाल अच्छे ही थे लेकिन थोड़े से और कुछ लेयर्स थी जो थोड़ी हाईलाइट करनी थी। करेक्ट था, क्या किया हमने अभी, हमने बालों को थोड़ा सा और हाईलाइट थोड़ा और थोड़ा सा लाइट शेड दिया। रास्ते में लग गई बहुत तेज भूख, रोल बारिश के मौसम में कहाँ से आए, यहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। कौन सा रोल जो थोड़ा ज्यादा तीखा नहीं हो? नहीं नहीं तीखा नहीं चाहिए मेरे को, तीखा चाहिए, तीखा नहीं खाओगे मेरे, तीखा चाहिए, मैं नहीं खिलाऊंगी तीखा, तो रोल करा दीजिए। बहुत बड़ा रोल है अरे, तो कैसा है, खाते खाते चलेंगे, बैठ के खाते हैं गाड़ी में, कुछ चाहिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह? चेरी को
कौन सी अभी दे रही हो? होम्योपैथी उस पर लिखा होगा ना इंजेक्शन पे 2 ml, देखो लाओ मेरे को तो। अरे तो गिरने वाला है इसको, वो कहाँ गया? इस इंजेक्शन पे तो लिखा ही नहीं है, इसमें कैसे दे रही हो? दूसरा इंजेक्शन दे जिसमें नाप सकते हो वाला, लो ना जिसमें नापना हो। बाकी ये वाली तो, ये तो इसकी 4-4 ड्रॉप्स मैंने पिला दी है इसको। अच्छा पानी में। हाँ मेरे बाबू एकदम ठीक हो जाएगा, मेरे बाबू एकदम ठीक हो जाएगा। कैसे देख रही मम्मी को दवाई, देखो ना। रात के बज रहे 10:30 और मेरी भाभी और मेरी बेबी खा रही है चिवड़ा। अरे बेबी का बाबी हुआ, बाबी का भाभी हो गया। हम आप लोगों को मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। भाभी एंड माय बेबी, बगल में तोता बैठा है मेरी, ये छोटे रूम में ना इसकी पहुंच में सारा सामान है, सब खा जाएंगे। अभी मेरा ब्लैक लेके भागी।